नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MBD ज्ञान में। दोस्तों, प्लूटो का नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल साल 2006 से पहले ऐसे सौरमंडल के सभी ग्रहों में ऐसे सबसे छोटा ग्रह होने का दर्जा प्राप्त था, लेकिन 2006 के बाद इसे इस सूची से हटा दिया गया और इसे बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। प्लूटो ग्रह को यम ग्रह या ग्रह भी कहा जाता है। आज हम आपको इस ग्रह की वो अजीबोगरीब और रहस्यमय बातें बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। अठारह फरवरी 1930 को खगोल विज्ञानी क्लीड डब्ल्यू टामबाग ने प्लूटो को गलती से खोज लिया था। असल में वह प्लेनेट एक्स नामक एक अज्ञात ग्रह की तलाश कर रहे थे जो अरुण ग्रह और वरुण ग्रह की कक्षाओं में गड़बड़ी पैदा कर रहा था। प्लूटो ग्रह का नाम ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में पढ़ने वाली एक 11वीं कक्षा की छात्रा वेनेसिया वर्ने ने रखा था। इस बच्ची का कहना था कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहा जाता है और इस ग्रह पर भी लगभग हमेशा अंधेरा ही रहता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो रखा जाए। इस बच्ची को उस समय इनाम के तौर पर 5 पाउंड दिए गए थे, जो आज के हिसाब से करीब 472 रुपये होते हैं। प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 248 साल लग जाते हैं। यहाँ एक दिन पृथ्वी के मुकाबले 6.4 दिन का होता है, यानी इस ग्रह का 24 घंटा लगभग 153 घंटे के बराबर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्लूटो ग्रह पर पानी बर्फ के रूप में मौजूद है और इस पानी की मात्रा पृथ्वी के सभी महासागरों में आरक्षित पानी से लगभग 3 गुना अधिक है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे भी हैं। प्लूटो और सूर्य के बीच बहुत अधिक दूरी होने के कारण सूर्य की रोशनी को प्लूटो ग्रह तक पहुँचने में लगभग 5 घंटे लगते हैं, जबकि सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लूटो ग्रह पर जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि यहां पर गर्मी बेहद ही कम है। इसकी सतह का तापमान अमूमन -233 से -223 डिग्री सेल्सियस बना रहता है, जो किसी भी इंसान को पल भर में जमा देगा।